हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज इन गवर्नमेंट कॉलेज, एलिजिबिलिटी है पीजी प्लस नेट या पीजी प्लस सेट, और अगर पीएचडी अगर आपके पास डिग्री है तो नेट या सेट से एग्जेम्प्टेड है और एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर बता दूं, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होती है तो एग्जाम होती है, बट यहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं है। मोस्टली यहाँ पर मेरिट बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से फाइनल सिलेक्शन होगी रिक्रूटमेंट के लिए। तो चलिए हम चलते सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर और पूरी डिटेल लेते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, 19 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नोटिफिकेशन आई हुई है, डिफरेंट डिफरेंट 19 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो उसके लिए हम सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, जहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल जानेंगे। ये वैकेंसी आई है गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर 5 ईयर 2020। यहाँ पर जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन इज 26 जून 2020। 26 जून 2020 तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट। अब यहाँ पे 19 डिफरेंट सब्जेक्ट में वैकेंसीज है। इसके पहले मेडिकल में है और हेल्थ सर्विसेज में है। तो इसके अलावा हम देखने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज इन कंप्यूटर साइंस 1 पोस्ट, हिंदी 2 पोस्ट, पॉलिटिकल साइंस 4 पोस्ट, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पोस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पोस्ट, कॉमर्स में 6 पोस्ट है, 6 नंबर में वैकेंसी है कॉमर्स सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में 4 पोस्ट, जूलॉजी में 2, इकोनॉमिक्स में 4, इंग्लिश में 3 पोस्ट, जियोलॉजी में 2, बॉटनी में 4, कोंकणी में 2, मराठी में 2, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी एंड फिजिक्स इन चारों में एक एक पोस्ट है। चलिए हम बात करते हैं एज की। यहाँ पर 45 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट्स एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये जो सैलरी है 15,600 एंड प्लस 6,000, ये रैशनलाइज पे 57,700 की इक्विवेलेंट है, जिसमें सैलरी 75,000 के अराउंड और अबव मंथली सैलरी बनने वाली है। यहाँ पर बता दो, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ में नेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। सेट के लिए महाराष्ट्र स्टेट की सेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर नेट नहीं है तो, और अगर नेट या सेट दोनों ही नहीं है तो पीएचडी कैंडिडेट्स भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे बता दूं, एसेंशियल में कोंकणी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र के लोग गोवा के लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, और साथ ही साथ अगर डिजायरेबल नॉट मैंडेटरी नॉलेज ऑफ मराठी अगर आपके पास है। तो मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट्स महाराष्ट्र के हैं स्पेसिफिकली गोवा के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है और ये परमानेंट पोस्ट है। इसकी जो लिंक है ऑफिशियल लिंक है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, ये गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आपको जाना है, एडवर्टीजमेंट नंबर 5 डाउनलोड और व्यू, यहाँ पर डाउनलोड और व्यू करने के बाद आप पूरी डिटेल पढ़ें और उसके बाद ही यहाँ पर आप एप्लीकेशन डालें। एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर लें, इसके पहले आप जरूर रिक्रूटमेंट की डिटेल पढ़ लें। ये सभी पोस्ट परमानेंट पोस्ट हैं और सैलरी भी अच्छी है। तो होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। इसकी जो लिंक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करें, वहां पर जरूर आपको मिलेगी इसकी वेबसाइट की लिंक, जहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को पढ़ सकते हैं और एलिजिबल होने पर एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।